हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा निकाली जा रही राजस्थान गौरव यात्रा को विजयी यात्रा करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह गौरव नहीं वसुंधरा की विजयी यात्रा है। इस बार जनता ने भाजपा के कुशासन को उखाड़ने का मानस बना लिया है। उन्होंने प्रदेश में वापस कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। गहलोत ने यह बात सोमवार को सर्किट हाउस में जोधपुर से रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान कही। वे यहां कांग्रेस की ब्लॉक कार्यशाला में शामिल होने आए थे। गहलोत ने कहा कि राजस्थान गौरव यात्रा के नाम पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकारी पैसे की बर्बादी कर रही है, लेकिन जनता के आगे सब बेबस है। जनता जब भाजपा को सत्ता से उखाड़ने का मानस बना चुकी है, जनता भाजपा से सवाल पूछ रही है कि उनका कसूर क्या है जो उन्होंने भारी बहुमत से भाजपा को शासन दिलाया था, इसके बावजूद यहां विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जनता अगर मन बना ले कि किसी को कुर्सी से उतारना है तो किसी भी तरह की गौरव यात्रा उन्हें बचा नहीं सकती। गहलोत ने कहा कि भाजपा झूठे वादे कर शासन में आई थी। उनके शासन को 5 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन भाजपा ने अपने वायदे पूरे नहीं किए। उन्होंने यहाँ चल रही सारी विकास योजनाएं बंद कर दी। इसको लेकर प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश है। भाजपा को इसका विधानसभा चुनाव में जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब जनता ने तय कर लिया है कि प्रदेश को भाजपा के कुशासन से मुक्त करवाना है और कांग्रेस को वापस सत्ता में लाना है। प्रदेश के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह है। कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार के लिए कमर कस ली है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोमवार सवेरे सर्किट हाउस में आए कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी भेंट की। कई लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। गहलोत ने उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और उन्हें दूर करवाने के प्रयास का आश्वासन दिया। उन्होंने यहाँ पर कई कांग्रेसी नेताओं से भी मुलाकात की। कई लोगों ने उन्हें साफा बांधकर और सूत की मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद सोमवार को गहलोत यहां से रवाना हो गए। सर, कार्यकर्ताओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। सर, कार्यकर्ताओं को इतनी भीड़ कल रात से परसों से लगातार जो भीड़ उमड़ रही है, एक तो चुनाव का माहौल है तो कार्यकर्ताओं का उत्साह दोनों स्वाभाविक है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि पिछले चुनाव में वसुंधरा जी को बहुत भारी बहुमत दिया लोगों ने। अब जनता उनसे पूछ रही हमारा कसूर क्या था, हमने इतना भारी बहुमत आपको दिया, उसके बावजूद भी आपने 5 साल तक आप कहाँ गायब रहे, किसी से मिले नहीं, तमाम योजनाओं को बंद कर दिया उन्होंने, कमज़ोर कर दिया, उसको लेके भयंकर आक्रोश लोगों के अंदर है। इसलिए मैंने कहा अब ये जो इनकी गौरव यात्रा निकल रही है, गौरव यात्रा किस बात की है, ये विदाई यात्रा है, विदाई यात्रा इनकी है। और पूरी जनता का मन बन चुका है कि कुछ भी झूठे वादे कर ले, अब उन पर विश्वास नहीं रहा लोगों का, ये मैं कह सकता हूँ। शहर अब मोदी जी को लाओ, अमित शाह जी को लाओ, राजस्थान वो प्रदेश है देश के अंदर जिसने ये तय कर लिया कि हमें किसी भी कीमत पर बीजेपी के कुशासन का अंत करना है और कांग्रेस को सरकार में लाना है, ये तय कर लिया। शहरी ग्रामीण दोनों के कार्यकर्ताओं गजब का उत्साह देखा जा रहा है, आपको लगता है ये उत्साह निश्चित सरकार राजस्थान कांग्रेस की ही बनेगी? निश्चित तौर से सरकार कांग्रेस ही बनेगी। और जो मीडिया खबरें फैला रहा है कि कांग्रेस में झगड़े हैं, गुटबाजी हैं, ये सब मिथ्या साबित होगी, ये मैं कह सकता हूँ। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।